Hello students, good evening. Today we are going to discuss a new question. The question paper is of brand management assignment for the June 2023, of course. The first question, let me start. First question, the reference is Mr. Sarma is planning to launch a new health and wellness app that will provide users with customized workout and nutrition plans based on their individual needs and preferences. As the brand manager, you have been tasked with developing a brand identity for the app. Now, what are the various types of brand element that you would suggest for the health and wellness app? First question hai, what are the various types of brand elements that you would suggest for the health and wellness app? Health and wellness app, uske baare mein aap pehle thoda introduction likhoge. Introduction part mein aapko likhna hai pehle what is a brand? Brand kya hai? ब्रांड एलिमेंट क्या है, इसके बाद हेल्थ एंड वेलनेस ऐप क्या है, व्हाट यू आर ट्राइंग टू प्रपोज टू योर कस्टमर्स, इसके बारे में आप इंट्रोडक्शन लिखोगे 200 वर्ड्स का. देन यू डायरेक्टली कम टू द कॉन्सेप्ट पार्ट वेयर यू नीड टू राइट अबाउट द ब्रांड एलिमेंट. 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है. ब्रांड एलिमेंट, एक ही रेफरेंस से दो क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर, स्पेशलाइजेशन है इसीलिए. सो ब्रांड एलिमेंट आप क्या सजेस्ट करते हो फॉर हेल्थ एंड वेलनेस ऐप? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, आप जब ब्रांड एलिमेंट के बारे में लिख रहे हो, मेक इट व्हाइल राइटिंग मेक इट अ पॉइंट कि ये हेल्थ केयर ऐप से रिलेटेड हो. ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो हेल्थ केयर ऐप भी प्रोवाइड करती हैं, तो डेफिनेटली मुझे रिलेट करना है कि हेल्थ केयर में भी लोगों को क्या चाहिए, लाइक द वर्कआउट प्लान्स, ऐसे हेल्थीफाई मी ऐसी है, और फिट मी, इस तरह के डिफरेंट ऐप हैं. आप उसको स्टडी करो कि वो ऐप कैसे देती हैं. तो दिस वे यू कैन जस्ट रेफर टू डिफरेंट ऐप दैट आर करेंटली प्रेजेंट इन द मार्केट, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड ऐप है ना. उसके बाद आप ब्रांड एलिमेंट जब चूज करते हो, ब्रांड एलिमेंट्स मतलब क्या, एक ब्रांड, एक चीज को जब मैं पहचानती हूँ तो उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है. ब्रांड एलिमेंट्स समटाइम्स कॉल्ड ब्रांड आइडेंटिटीज आर दोस ट्रेड मार्केबल डिवाइसेस दैट सर्व टू आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट द ब्रांड. आप एक ब्रांड को कैसे पहचानोगे कि ये हेल्थीफाई है या फिट मी है, ये दो अलग अलग ब्रांड है, राइट? तो ये दोनों अलग अलग हैं, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनके ब्रांड एलिमेंट से, लाइक उनका लोगो हुआ, उनका सिंबल हुआ, उनका, आप अगर कोई क्लिनिक में जाते हो उनका अपना अपना अलग अलग एटमोसफेयर होता है, लाइक डॉक्टर बत्रास का अलग होगा, केया स्किन क्लिनिक का अलग होगा, दोनों एक ही ऑलमोस्ट एक सेगमेंट में है, 80% एक सेगमेंट में, बट उनका जो एम्बियंस है क्लिनिक का वो बिल्कुल अलग होगा. जो ट्रीट कर रहे हैं डॉक्टर्स या जो स्टाफ्स होते हैं उनका बोलने का तरीका अलग, स्पोक्स पीपल वो अलग होगा, स्लोगन सिंबल, सो दीज आर द ब्रांड एलिमेंट. तो नाउ ये चैप्टर आपके बुक में है, मैं वहीं से पढ़ा रही हूँ. सो क्राइटेरिया फॉर चूजिंग ब्रांड एलिमेंट्स, अब क्या क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया फर्स्ट इज मेमोरेबल, जो कि लोग आसानी से याद कर सके. ऐसा ही ब्रांड एलिमेंट्स हमें चूज करना चाहिए जो कि लोग आसानी से नोटिस कर सके, उसे याद कर सके. लाइक जैसे मैं हेल्दीफाई बोलती हूँ, फिट मी बोलती हूँ, या ऐसे डायबिटिक का भी, डायबिटिक केयर करके, तो इस तरह के जब ब्रांड हम बोलते हैं वो बहुत मतलब रिजेंबल करते हैं कि किस चीज का ये ब्रांड है. तो इसी तरीके से आप मेमोरेबल, वो याद रख सके, ऐसा कोई ब्रांड का नाम हो, उसका सिंबल, लोगो डिजाइन एंड ऑल दिस थिंग्स हैज टू बी मेड मीनिंगफुल. अब मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब इट शुड डिस्क्राइब योर पर्पस. Likeable, लोग उसको अच्छा लगे, लोगों को अच्छा लगे. Transferable, within and across product categories, across geographic boundaries and cultures. यहाँ पर ये transferable मतलब आप इसको समझ सकते हो, ऐसा हो कि काफी flexible हो, मतलब across the globe it can work. तो मैं transferable concept तो मैं लूंगी अगर मुझे अपने हेल्थ केयर ऐप के लिए लेना है, बिकॉज इट इज एन ऐप जो कि वर्ल्ड वाइड चलेगा. ऐप तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में चलेगा, वर्ल्ड वाइड यूज करना है तो मुझे उसमें ट्रांसफरेबल चीज तो देनी है, बिकॉज आई विल पुट ऑन द कैटेगरीज वेयर इट विल वर्क अक्रॉस द ग्लोब, कोई कल्चरल बाउंड्रीज ना हो उसमें. अडेप्टेबल होना चाहिए, मतलब इट शुड बी फ्लेक्सिबल, वो तो बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया गया, क्वेश्चन में दिया गया है कि दे आर विलिंग टू लॉन्च अ न्यूट्रिशन प्लान अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड्स एंड प्रेफरेंसेस, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अडेप्टेबल हो. प्रोटेक्टेबल, लीगली कॉम्पिटिटिव, तो मैं, मुझे लगता है कि मैं ये छह एलिमेंट्स है, छहों को ही लूंगी. और इस, आप जब आंसर लिखोगे तो क्राइटेरिया फॉर चूजिंग ब्रांड एलिमेंट्स यू नीड टू राइट दिस, आपको छहों एलिमेंट लिखने हैं. बट जैसे आप मेमोरेबल लिख रहे हो तो मेमोरेबल में आप अपने हिसाब से क्या डालना चाहोगे, क्या चीज को मेमोरेबल बनाओगे, इसको अपने लैंग्वेज में लिखना है. वैसे ही मीनिंगफुल में अपने हेल्थ, इट्स लाइक एन हेल्थ केयर ऐप, तो आपको
हमेशा इसको लिखना है, बार बार इसको मेंशन करना है कि इट्स अ हेल्थ केयर ऐप विच इज कस्टमाइजिंग द वर्कआउट एंड न्यूट्रिशन प्लान्स ऑन इंडिविजुअल नीड्स एंड प्रेफरेंस. तो हाउ इट इट कैन मीन्स हाउ पीपल कैन रिकॉल इट, हाउ इट कैन मीन्स बी मीनिंगफुल. मतलब मैं ब्रांड में क्या ऐसा लोगो डालू या ऐसा मैं डिजाइन करूँ. यू कैन ऑल्सो मतलब जब आप आंसर लिखते हो तो आप अपने लोगो का कोई डिजाइन बना के दे दो या ऐसा कोई नाम बना के चूज करके दो. जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकल रेफरेंसेस दोगे उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे. तो ट्राई टू यूज दैट एज मच क्रिएटिविटी यू कैन डू इन योर इन राइटिंग योर आंसर. आई होप मैं आप लोग को ये आंसर समझा पाई हूँ. दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन नेक्स्ट डे मैं डिस्कस करूंगी. थैंक यू स्टूडेंट्स.